सर्कल में क्या क्या, सर्कल में देखो पहले तो सर्कल में पहले वही टेंथ वाला थोड़ा बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि टेंथ में बेसिक चीजें क्या क्या। जैसे पहली बात अगर मैं लिखूं टेंथ की तो सेक्टर क्या होता है? सेक्टर पता होगा सबको कि ये आपका कोई सर्कल का एक पार्ट हो और सर्कल का एक छोटा सा वाला पार्ट, ये सर्कमफेरेंस पे ये जगह चल रहा है इतना सा पार्ट, ये पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर एरिया बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ये वाला एंगल थीटा अगर है और ये वाली इसका आर की लंबाई अगर एल है, इसका रेडियस आर है, तो सेक्टर आपका ये पूरा सेक्टर कहलाएगा ए बी सी, ठीक है ना। ए बी सी डी मतलब मैं ऐसे कहूँ कि ए बी डी सी सेक्टर कहलाएगा। और सेक्टर एरिया जो होता है, सेक्टर एरिया वो क्या हो जाता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा। तभी देखो जिस दिन थीटा की वैल्यू ये पूरा ये घूम के पूरा 2π बनाता है तो ये 2π आर यहाँ लगेगा, बात 2π लगेगा तो ये आपका 2 से 2 कटेगा, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। यानी जब आपका दूसरा, तभी आपका एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है जब थीटा इज इक्वल टू 2π हो गया, मतलब ये पूरा घूम के एक सर्कल बना लिया तो एरिया हो जाएगा आपका, एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर 2π, ये 2 से 2 कट गया, पाई आर स्क्वायर, वही आपका एरिया ऑफ सर्कल आ जाता है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें कुछ और कि अगर आपका सर्कल में इक्वल लंबाई की कॉर्ड, क्या सर्कमफेरेंस पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है क्या? इक्वल लंबाई की कॉर्ड इक्वल एंगल सर्कमफेरेंस पे ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा दोनों बराबर होगा, मतलब इक्वल लेंथ कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट सर्कमफेरेंस। एंड और साथ में एक और बात लिखता हूं, एंड हाफ एंड डबल ऑफ एंगल एट सेंटर, सेंटर पे इसका डबल करती है, मतलब अगर इसका कहीं यहाँ सेंटर होगा यहाँ कहीं पे तो यही सेम लंबाई वाला ये आपका यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर देगा? 2θ। बात समझ में आ रही है? चौथे नंबर पे अगर हम बात करें कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम, अच्छा एक और बात अगर लिखो कि कॉर्ड ऑफ मोर लेंथ नियरर टू सेंटर, जितना आपका नियरर टू सेंटर जितना कार्ड की लंबाई बढ़ेगी उतना ही वो सेंटर की ओर करीब जाएगा। जैसे ये वाले कार्ड और इसकी लंबाई मैंने बढ़ाया, ये लंबाई बढ़ाया तो ये आपका और सेंटर के करीब जाएगा, और सबसे मैक्सिमम लेंथ की जो कार्ड होगी वो क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। एंड मैक्सिमम लेंथ कार्ड, क्योंकि जब सवाल बोलता है ना तो इसी तरह से वर्ड यूज करता है, मैक्सिमम लेंथ कार्ड इज डायामीटर, ये आपका हो गया। पांचवे नंबर पे अगर मैं बात करूं, कभी आप लोगों ने कॉर्ड इंटरसेक्टिंग नियम थ्योरम का नाम सुना होगा। कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम दो तरह की होती है, कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम दो तरह की होती है, एक तो ये कि एक ये कॉर्ड हो गई और एक ये कॉर्ड हो गई, अगर ये ए बी सी डी तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है पी पे, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, ए पी इंटू पी बी इज सेम एज सी पी इंटू पी पी डी डी पी, ठीक है ना। एक तो ये होता है, या दूसरा हो जाता है आपका, अगर मैं दूसरे की बात करूं तो जैसे ये आपके पास एक सर्कल है और एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है, देखो दोनों अभी कॉर्ड है लेकिन इसमें बाहर इंटरसेक्ट कर रही है, अंदर के बजाय बाहर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये ए बी पी है और ये सी डी पी है तो क्या ये ए पी फिर से वही रहेगा? लिखेंगे वही ए पी इंटू पी बी इक्वल टू सी डी इंटू सी पी इंटू डी पी, लिखेंगे वही बात लेकिन इस बार कॉर्ड बाहर में कट करी है। अगर यहीं पे मान लो कि ये चीज यहां पे अगर ये टेंजेंट हो जाती है ऐसे टी पे तो क्या बन जाता है? यही अगर इसके लिए देखो ये और ये टेंजेंट हो गए तो उस केस में हम क्या लिखते हैं कि ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? क्या हो जाता है? पीटी स्क्वायर। अच्छा इतना ही नहीं, एक और थ्योरम जानते हैं कि अगर ये T1 हो और यहाँ पे अगर ये T2 हो तो हम जानते हैं कि आगे चल के प्रूफ भी कराएंगे PT1 स्क्वायर इक्वल टू PT2 स्क्वायर, ये भी जानते होंगे। स्क्वायर का मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि PT1 बराबर PT2।
हाँ, अगर किसी बाहर के पॉइंट से अगर हम खींचे टेंजेंट, तो टेंजेंट दोनों दोनों की लंबाई बराबर होती है। ये आपका बेसिक पार्ट हुआ आपका ये सर्कल के बारे में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये नोट करना है कि हम आगे बढ़े, ठीक है? तब तक मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये आपका सर्कल का बेसिक पार्ट है। अब इसके बाद डेफिनेशन पे आएंगे। इतनी सबकी जरूरत पड़ेगी अपने को इस पूरे सर्कल के दौरान। बाकी जब जरूरत पड़ेगी तो हम थ्योरम बताते चलेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो अब आते हैं छठे नंबर पे, इसके डेफिनेशन पे बात करते हैं। डेफिनेशन में मैं पहले, अगर डेफिनेशन की बात करूं तो पहले आप लोगों ने कभी नाम सुना है क्या, एक अपोलोनियस सर्कल का नाम सुना है क्या? अपोलोनियस सर्कल, अपोलोनियस सर्कल होता क्या है ये एक्चुअल में? देखो मैं पहले लिख देता हूं क्या है। लोकस ऑफ पी सच दैट पी ए अपॉन पी बी नॉट इक्वल टू वन, वेयर पी ए एंड बी, ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट। पहले तो हमने आपको ये बातें लिख दी, बाकी अब इसको समझते हैं। क्या होता है कि देखो, एक अपने पास ये दो पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, ये एक पॉइंट ए फिक्स कर दिया, ये पॉइंट एक बी फिक्स कर दिया। एक पॉइंट इस पी का लोकस कह रहा है कि इस पी का आपका लोकस, ये जो पी है, ये पी का लोकस जब भी बनेगा वो एक सर्कल बनेगा अगर ये आपकी ये वाली दोनों डिस्टेंस बराबर ना हो, पी ए और पी बी बराबर ना हो। वो आप एक समझो कि पहले कभी पुराने जमाने की अगर फिल्म देखो ना, या इस समय अगर कभी किसी कोई गया होगा जम्मू कश्मीर में, तो छोटी वाली जो ट्राम रेल होती है जो कोयले से चलती है, या पहले जमाने में जो कोयले से ट्रेन चलती थी, उसका पहिया अगर आप कभी देखो तो उसका पहिया कैसे हुआ करता था कि देखो, एक ये पहिया, एक यहाँ पे ऐसे और एक यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से एक आपका ऐसे डंडी, और यहाँ से और ऐसे, हाँ ऐसे, यहाँ दो पे फिक्स कर दिया था, और ये इसको घुमाता था। तो ये बड़ी वाली पहिया, एक ऐसे बड़ा वाला पहिया होता था, तो उसको ये इसके सर्कल में ऐसे घुमाता था, ये बड़े वाले पहिया को ये दोनों फिक्स कर दिए गए हैं, और उस सिर्फ आपको इसको ये दोनों ऐसे ऐसे घुमाने पे ये ऐसे 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 चलता था, तो ये एक सर्कल बनाता था। बात समझ में आ रहा है ना? तो जो ये अपोलोनियस सर्कल है वो यही है कि जो ये जो पहले जमाने का रेलगाड़ी का जो पहिया इसी कॉन्सेप्ट पे घूमती थी अपोलोनियस सर्कल पे ही, कि कुछ दूरी पे दो पॉइंट फिक्स कर दिया गया। ये पी पॉइंट को आपको घूर्णन से जब इसको घुमाया जाएगा, ऐसे ऐसे किया जाएगा, यानी दोनों के डिस्टेंस अगर इक्वल नहीं हुई तो जाके ये एक सर्कल कैसे आएगा। अगर जैसे ही इक्वल हो गई ये डिस्टेंस दोनों, तो ये दोनों ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होने लगेगा, तो पहिया टपल करेगा घूमने के बजाय। अरे वाह, समझ में, तो आदमी गिर जाएगा उस केस में। तो ये आपका इसी अपोलोनियस सर्कल पे ये चीज कॉन्सेप्ट पे रेल की पहिया पहले चलती थी। ये है कि एक लंबाइयां कभी दिखना कभी छोटी छोटी रहेंगी, तभी ये इसको घुमाएगा तो ऐसे घूम के आएगा ऐसे। अरे वाह, समझ में। तो ये जो चलती थी, तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट बना था वही अपोलोनियस सर्कल है। तो वैसे ही जो ये पी है, तो ये पी का जो लोकस आएगा वो अपोलोनियस सर्कल आएगा। तो ये आप, अच्छा, इसका सबसे ज्यादा यूज कॉम्प्लेक्स नंबर में है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम यूज करते हैं कि जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू नॉट इक्वल टू, अगर आपका कोई कॉन्स्टेंट के बराबर, मतलब नॉट इक्वल टू वन के बराबर है, तो जेड का लोकस आपका एक हो जाता है सर्कल इक्वेशन, इसका जेड का लोकस सर्कल आ जाता है। या नॉट इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू, या जेड वन माइनस जेड, मतलब अलग अलग तरह से हम इसको लिख लेते हैं कि ये इसका लोकस ऑफ सर्कल आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको दोबारा बात करते हैं, और वहीं पे इसको सही से समझते भी हैं। वहां पे असली में इसका, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कल का इक्वेशन जब ये वाला पार्ट का आता है ना, वही कठिन होता है। इधर वाला तो बाकी दूसरा वाला जो आसान आता है, ये वाला कठिन होता है अपोलोनियस सर्कल वाला। तो ये जो पी का लोकस आएगा, वो पी का लोकस एक सर्कल होगा। बात समझ में आ रहा है? इस पी का लोकस ही एक सर्कल होगा, तो ये आपका कहलाता है अपोलोनियस सर्कल। यानी जब भी ऐसा होगा तो हम कहेंगे अपोलोनियस सर्कल है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये तो आपका अपोलोनियस सर्कल की डेफिनेशन हो गया। अब क्लासिकल डेफिनेशन पे आते हैं, जो आज के जमाने में चलती है, और इसी पे हम सारी आगे की बातचीत करेंगे। सातवें नंबर पे दूसरी डेफिनेशन कि लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट
विच डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड लोक, इज कॉल्ड सर्कल. फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, फिक्स पॉइंट इज सेंटर एंड फिक्स डिस्टेंस इज रेडियस. फिक्स डिस्टेंस इज रेडियस. जैसे कभी आप कभी देखे होगे कि मोबाइल का चार्जर हाथ में लिए ऐसे घुमाओगे तो तुरंत एक सर्कल में नाचने लगता है. कोई एक रस्सी लिया उसके कुछ इंड पॉइंट पे कुछ पत्थर है तो ऐसे नजर तो तुरंत एक सर्कल पकड़ लेगा. तो जो वो जो ये पत्थर है या जो ये पॉइंट है इसका अगर फिक्स पॉइंट के बीच में अगर मैं इसको यहाँ पे फिक्स करके इसको नचाऊं या इसकी डिस्टेंस बराबर मेंटेन रखूं तो जो इससे बन के आएगा वो आएगा क्या चीज, इन अ प्लेन. मतलब एक ही प्लेन में, एक प्लेन में जब हम नचाएंगे तो एक ही प्लेन में आएगा. तो हम लिख सकते हैं या ना लिखे तो अंडरस्टूड है कि एक प्लेन में. ठीक है, तो ये जो सर्कल जो ये बनेगा ये आपका सर्कल होगा और जो ये वाली डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस हो गई वो हो गई आपकी रेडियस आर. और ये जो फिक्स पॉइंट हो गया उसको मैंने कहा कि ये आपका सेंटर है. यही मैंने कहा ना, ये रेडियस आर है और ये सेंटर है. अब जरा हम इसका इक्वेशन लिखे अगर तो आपको मैंने बता रखा है स्ट्रेट लाइन से कि इसका इक्वेशन जब लिखना होता है तो जिसका लोकस निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं, एच कामा के. ये फिक्स पॉइंट है तो मैंने कहा इसको थोड़ी देर के लिए कि एक्स नॉट वाई नॉट है. अरे बात समझ में, ये फिक्स है और ये मूव करेगा यहां से यहां, इसकी डिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहने वाली है. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, EOC का मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है ना, जैसे EOL का मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, वैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो क्या हो जाएगा, यहां से फिक्स डिस्टेंस अंडर रूट एच माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई के माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर. दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया तो क्या आ गया आपका एच माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस के माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. या इसको मैंने एक्स और वाई में अगर मैंने लिख दिया तो ये बन गया वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. बोलो बात समझ में आ गई. ये तो आपका जो भी इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म. इसको दूसरा ये भी नाम है कि ये सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल है. आगे भी इसको अभी और यूज करेंगे. ये है आपका सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल. जरा अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, सातवें आठवें नंबर पे. ये हो गया ना इधर का. तो लिखो 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 लिखो, देख रहे हैं. तो ये आपका आठवें नंबर पे. अब इसके जरा हम फॉर्म ऑफ सर्कल बात करते हैं या टाइप ऑफ सर्कल के कौन से इसके फॉर्म होते हैं. आठवें नंबर पे हमने फॉर्म बात किया, पहले तो हम बात कर लेते हैं सेंट्रल फॉर्म पे. सेंट्रल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट्रल फॉर्म यही आपका कि x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. अगर कभी ऐसे लिखा है तो यहां से तुरंत देख के हम बता सकते हैं कि इसका सेंटर आपका है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट और रेडियस कितना है इसका, रेडियस है इसका स्मॉल आर, हम बता सकते हैं. नाइन्थ नंबर पे आते हैं, बड़ा ही काम की इक्वेशन ये है और सबसे ज्यादा यूजफुल है बेसिकली एडवांस के लिए. जनरल इक्वेशन ऑफ, बिल्कुल सही बात है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. जनरल इक्वेशन होता क्या है, ये हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एक वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि हाँ सेंटर, सेंटर है इसका, बिल्कुल सही है. सेंटर हो जाएगा माइनस जी का मा माइनस आर और रेडियस आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. आया कैसे, बस एक सेकंड में मैं निकाल देता हूं ये चीज आई कैसे. देखो अपने पास क्या है यहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. अब मैं यहां से मिलके इसका होल स्क्वायर बनाऊंगा तो एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर हो जाएगा. बोलो हो जाएगा ऐसा. अच्छा एक्स्ट्रा क्या आ गया, प्लस जी स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया तो मैं दोनों तरफ जी स्क्वायर जोड़ दो तो काम बराबर हो जाएगा.
अच्छा फिर यहाँ पे इसको और इसको ले लिया तो y प्लस एफ का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बिल्कुल एक्स्ट्रा एफ स्क्वायर आया तो इधर एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर जोड़ दिया, ये प्लस सी इधर ही है। अब इसको मैं लिख देता हूँ x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसका मैंने हाँ अंडर रूट का स्क्वायर कर दिया। अब क्लियरली इस वाले से कंपेयर करके देख सकते हैं सेंटर क्या हो गया इसका, तभी सेंटर माइनस जी का माइनस एफ और रेडियस आर इक्वल टू अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बात समझ में आया? अच्छा और आपका नाइन्थ नंबर टेंथ नंबर पे, अच्छा सेकेंड डिग्री की इक्वेशन याद है क्या अभी भी? हाँ याद है कि नहीं? सेकेंड डिग्री इक्वेशन याद है क्या था? ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू, मैंने कहा था इसको याद कर लेना, ये बड़ा ही काम की इक्वेशन है, मैंने बताया था बात, ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है। अगर हम इस सेकेंड डिग्री की इक्वेशन के बारे में बात करें तो देखो सर्कल होने के लिए ध्यान से देख लो, फॉर सर्कल हाँ सेकेंड डिग्री इक्वेशन हमेशा फिक्स है। स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने वही डब्बा बताया था याद है, डब्बा या फिर मैंने बोला था कि ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये बताया था। अब यहाँ पे फॉर सर्कल के लिए ये ए बराबर बी होना जरूरी है, मतलब की कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर का होना जरूरी है। आई बात समझ में? अच्छा दूसरा ये भी है कि h का वैल्यू होना जरूरी है, क्यों जीरो होना जरूरी है? क्योंकि आप देखो यहाँ पे तो कहीं पे एक्स वाई का टर्म नहीं है, एक्स वाई का टर्म गायब है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं h की वैल्यू जीरो, यानी एक्स वाई का जीरो यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई जीरो होना चाहिए। बात समझ में आया? एक्स वाई टर्म नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, एक्स वाई का कोफिशियंट जीरो होना चाहिए। ये हम जो बात कर रहे हैं वो सवाल के पर्पस से बात कर रहे हैं, जब सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें अगर जैसे सेकंड डिग्री की इक्वेशन आ गई और हमसे कहा गया कि सर्कल होने की कंडीशन बताओ, हम ये वाला कंडीशन लगा देंगे, पक्का सर्कल होगा, अगर ये दोनों होगा तो पक्का सर्कल होगा। अच्छा सर्कल में अब दूसरी एक बात सुनना, ए बराबर बी होने से सिर्फ ये और ये बराबर हो जाने से हम सेंटर नहीं बता सकते, सेंटर बताने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट बराबर के साथ साथ वन होना चाहिए, डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज अगर वन नहीं हुआ तो सेंटर अलग आएगा। सेंटर के लिए यहां से कंपेयर करेंगे, और अगर आपका कोई कहता है कि सर्कल के लिए क्या जरूरी है, तो सर्कल के लिए जरूरी है कि इसका कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए, लेकिन सेंटर के लिए ये दोनों वन होना जरूरी है। ठीक है ये आपकी बात हो गई, अगले पॉइंट पे आते हैं, नोट हो गया इतना। 11 नंबर पे अपना क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो एक मैं सवाल दे रहा हूं कि क्वेश्चन है कि एफ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहां पे कि पहले छोटा सवाल दे रहा हूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 2, 3 एंड रेडियस इज इक्वल टू 5, क्या आंसर हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिख लेते हैं, एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर मतलब 25। अरे बात समझ में? अगला सवाल मैं दे रहा हूं, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 एंड डायमीटर एंड इक्वेशन ऑफ डायमीटर्स आर x प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड 2x माइनस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, बताओ फटाफट। तो सेकेंड वाले के लिए तो हम भी तो सॉल्व करते रहते हैं, आप लोग भी करो, कह रहा है कि अपने पास एक सर्कल है, आ गया क्या आया सेंटर क्या आया सर, 1/3 -1/3 10/3 -1/3 10/3 सही है बिल्कुल, ये
ठीक है। आया राहुल, ठीक है ये दोनों सबका सर्कल का दोनों डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू ये हो जाएगा सेंटर। तो ये सेंटर हो गया, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका मैंने यहाँ पे निकाला ये x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स माइनस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, दोनों को सॉल्व किया जोड़ दिया एक कट गया, थ्री एक्स बराबर हो गया प्लस वन बराबर जीरो, तो x बराबर हो गया माइनस वन बाई थ्री, और यहाँ पे x बराबर माइनस वन बाई थ्री प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गया टेन बाई थ्री, तो सेंटर हो गया इसका, यानी यही वाला पॉइंट हो गया वन बाई थ्री माइनस टेन बाई थ्री प्लस, तो यानी ये हो गया सेंटर माइनस वन बाई थ्री का मत टेन बाई थ्री, रेडियस दे रखा है। एक और बात है, सवाल में ना ये हो सकता है कि रेडियस ना देकर कह दे कि सर्कल आल्सो पासेस थ्रू कोई अलग पॉइंट दे दे कि वन कामा फोर से पास कर रहा है, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे रेडियस हो जाएगा, आ रही बात समझ में, तो ये भी आपका तरीका हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे इक्वेशन लिख लेंगे आपका x प्लस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर प्लस y प्लस टेन बाई थ्री, बिल्कुल सही है, नाइन तीन का स्क्वायर इक्वल टू नाइन। अगला सवाल लेते हैं, इफ इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स एल वन एंड एल टू एंड एल फोर आर कॉन साइक्लिक देन फाइंड कंडीशन बिटवीन a a dash b dash h dash c and c dash where मैं ऊपर लिख रहा हूं, बाकी सवाल का रिमेन पोर्शन मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये सवाल नोट करो, सवाल पूरा नहीं हुआ है, जब तक सवाल का आखिरी वाला पोर्शन लिखे हुए तब तक पूरा नहीं होगा। वेयर एल वन एल टू इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी प्लस ये क्या लिखा हूं, हाँ ठीक है, टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड एल थ्री एल फोर इज इक्वल टू ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई एच टू एच डैश एक्स वाई प्लस बी डैश वाई स्क्वायर प्लस टू जी डैश एक्स प्लस टू एफ डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यही आपके सामने सवाल है। पेयर ऑफ लाइन्स है कि नहीं बताओ, दो लाइन्स ये है और दो लाइन्स ये है, यानी कुछ ऐसे कह रहा है कि एक साथ में देखो ये दो लाइन्स हो गए और इनके ही दो लाइंस ऐसे हो गई, ठीक है, ये दो लाइंस हो गई और ये दोनों लाइंस, जब ये दोनों पेयर ऑफ लाइंस को आगे खींचने पे ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, ये चारों जो पॉइंट है वो कैसे हैं, एक सर्कल पे, आ रही बात समझ में, तो उस केस में बताना है कि ये इनमें ए ए डैश एच एच डैश बी बी डैश और सी सी डैश से क्या रिलेशन आएगा, बात समझ में आ रही है, तो इस केस में आप इसको समझ लो, आप लोग समझ लो कि क्या होता है ऐसे सवाल में, अगर ऐसे सवाल होते हैं तो देखो क्या करेंगे ना कि ये एल वन एल टू प्लस लेमडा टाइम एल थ्री एल फोर इक्वल टू हम कर देंगे जीरो और यहां से कंडीशन फॉर सर्कल लगा देंगे, कंडीशन फॉर सर्कल, ये आपको याद होगा ये कब ऐसा दिखने को मिला था, क्या फैमिली ऑफ लाइन से मिला था, क्या फैमिली ऑफ लाइन्स में एल प्लस लेमडा एल वन प्लस लेमडा एल टू इक्वल टू जीरो, लेमडा की वैल्यू निकालने से हमें फैमिली ऑफ लाइन सारी निकल जा रही थी, तो वही हमने कहा कि दो तरह के लाइन्स दे रखी है, तो एल वन एल टू प्लस लेमडा टाइम एल थ्री एल फोर हो गया। अब यहां से मैंने क्या किया कि अब मैं इस वाले पार्ट को हटाता हूँ, जगह मिल जाएगा, हाँ एल वन एल टू इनका कंबाइन इक्वेशन है दो लाइन का, ये दोनों लाइन का क्या लिखा गया है, कंबाइन इक्वेशन, अच्छा एक्चुअल में हमने अपने को हमने कहा कि चारों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब फैमिली ऑफ पॉइंट से ले रखा है, ठीक है, और ये चार सभी मिलके किसी एक एक चीज से जुड़ रहा है और वो है सर्कल से,
तो ये सबके एक फैमिली, एक सर्कल की फैमिली हो गई चारों पॉइंट, यानी सर्कल की फैमिली हो गया। जहां फैमिली ऑफ सर्कल होता है तो आप, यानी फैमिली जब कैसे आती है तो कोई एक पैरामीटर चेंज करते हैं। जैसे फैमिली ऑफ लाइंस में कितने पैरामीटर बदल रहे थे अपन लोग, सिर्फ एक पैरामीटर बदल रहे थे कि L1 प्लस लेमडा L2 करते ही ये सारी इनफाइनाइट लाइंस की इक्वेशन आ जा रही थी। इनमें खासियत बस इतनी थी कि ये आपकी सभी की सभी एक किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रहे थे। तो ये जब कोई चीज में कोई फैमिली जब इंक्लूड होती है तो उसको प्लस लेमडा टाइम दूसरे वाले को कर दो तो एक दूसरे से रिलेशन मिल जाएगा, और लेमडा को बस जिसके लिए जो कंडीशन दिया जाए उस कंडीशन पे अप्लाई कर दो। यहाँ पे सर्कल के लिए कंडीशन दिया जाएगा, सर्कल के लिए अप्लाई कर देंगे। क्वाड्रिलेटरल या कोई और मान लो कि हेक्सागन या कुछ और ट्राइंगल के लिए बोलता तो हम ट्राइंगल की कंडीशन अप्लाई करते, इलिप्स के लिए बोलता इलिप्स की कंडीशन अप्लाई करते। तो यहां से आप लोग भी बनाओ, देखो L1 L2 ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस लैम्डा टाइम a डैश x स्क्वायर प्लस 2h डैश xy प्लस b डैश y स्क्वायर प्लस 2g डैश x प्लस 2f डैश y प्लस c डैश इज इक्वल टू जीरो। यहां से एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशियंट मैं लू तो ए प्लस लेमडा ए डैश हो जाएगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर का प्लस एक्स वाई का कोफिशियंट लू तो ये आ जाएगा 2h प्लस 2h डैश लेमडा। प्लस अगर मैंने वाई स्क्वायर का कोफिशियंट लिया, बच्चों देखो वाई स्क्वायर का कोफिशियंट क्या हो जाएगा अपना बी, और यहां पे लेमडा बी डैश, बी प्लस लेमडा बी डैश, बाकी कुछ और भी आगे आएगा हम छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और लास्ट में कुछ रहेगा c प्लस लेमडा टाइम c डैश इक्वल टू जीरो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ y स्क्वायर, वन नहीं इसी बराबर होना चाहिए, सर्कल के बराबर होना चाहिए, मतलब a प्लस लेमडा a डैश इक्वल टू b प्लस लेमडा b डैश, ठीक है। एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, जीरो। बिल्कुल सही बात है, टू एच प्लस 2h डैश लेमडा इज इक्वल टू जीरो। अब थोड़ा सा इतनी सी जगह है, इस इतनी सी जगह का यूज कर लेते हैं, ठीक है। a माइनस ऐसे कर लेते हैं ना, क्या कर ले, a माइनस बी अपॉन ऐसे कर लेते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू ए बी डैश माइनस ए डैश लेमडा, सही है। लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, हाँ तो a माइनस बी अपॉन बी डैश माइनस ए डैश इक्वल टू लेमडा हो जाएगा, सही है। और दूसरे वाले में से यहां से इस वाले को लेंगे तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एच अपॉन एच डैश, उठा के यहाँ पे डाल दे, जैसे उठा के डाला हमने तो ये मिल गया अपने को, देयरफॉर दिस इंप्लाई a माइनस बी अपॉन बी डैश माइनस ए डैश इक्वल टू माइनस एच अपॉन एच डैश, क्या सारा रिलेशन आ गया। अच्छा, इसको और करने के लिए ऐसा लिखा जाता है कि a माइनस बी अपॉन एच और a डैश माइनस बी डैश अपॉन एच डैश, अरे बात समझ में, और अच्छे से लिखने के लिए लिखा जाता है a माइनस बी अपॉन एच इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश a डैश माइनस बी डैश अपॉन एच डैश, अरे बात समझ में, रिलेशन आ गया। सी वाले से कोई अपने को खास मतलब नहीं है, अगर ये बोलता है कि ये सर्कल कहां से पास हो रहा है ओरिजिन से तो सी प्लस लेमडा सी डैश हो जाता जीरो, अगर कहां से पास होता तो ओरिजिन से, तो कांस्टेंट वाला टर्म क्या जाता जीरो, सी प्लस लेमडा सी डैश इक्वल टू जीरो, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, नेक्स्ट पे बात करेंगे। अगला सवाल लेते हैं, ठीक है, अगला सवाल अगर मैं आपको लिख दूं कि फाइंड एंगल क्यू पी आर वेयर पी इज पॉइंट ऑन सर्कल एंड क्यू इक्वल टू 3,4 एंड आर इज इक्वल टू -4,3 एंड सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, फटाफट बनाओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25।
क्यू और आर दोनों सर्कल पे ही है इसीलिए लिखा नहीं है वो, क्यू और आर सर्कल पे ही है इसलिए लिखा नहीं है, बस आपसे पॉइंट का नाम लिख दिया क्योंकि P बाहर ना जाए इसलिए उसने बोल दिया कि P सर्कल पे ही है, P सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ही है बिल्कुल। R भी सर्कमफेरेंस पे है क्योंकि पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, आ रही बात समझ में? हाँ देखो ये कह रहा है, ये अपने पास एक सर्कल हुआ, ये सर्कल का पहले सेंटर बताओ कितना होगा, क्लियरली दिख रहा है सेंटर 0.0 हो गया, अच्छा और रेडियस कितना हो गया, रेडियस 5 हो गया। ये कह रहा है कि जो एक कोई पॉइंट है P वो इसी के ऊपर लाई कर रहा है, यहाँ पे 0.0 सेंटर हो गया, कह रहा है क्यू की वैल्यू 3.4 है, 3.4 कहीं भी हम लिख सकते थे लेकिन ऐसा नहीं कि रैंडम होगा, 3.4 इसको देखो सेटिस्फाई कर रहा है, 9 और 16 25 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3.4 कहीं यहाँ होगा, 3.4 ये क्यू हो गया, और ऐसे ही आर भी -4.3 भी यही होगा, आई बात समझ में? ये आपका दोनों ज्वाइन किए तो ये वाला एंगल पूछ रहा है QPR, बोले ही पूछा है ना एंगल QPR, तो ये वाला एंगल पूछा है एंगल थीटा, तो क्या ये वाला थीटा एंगल कैसे निकाला, उसका दुगना हो गया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे निकाला, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्यों, ज्योमेट्री चलते हैं ना अभी यूज, ज्योमेट्री यूज करते हैं क्या, कि ये वाला एंगल देखो, ये वाली साइड, ये वाली लंबाई 5 है, ये वाली लंबाई 5 है, अच्छा ये लंबाई 5 है, यहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री आएगा, ये इसको मिड पॉइंट पे कट करेगा, आधा आधा पे कट करेगा, अरे बात समझ में, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 53 डिग्री हो जाएगी, 53 दोनों हो जाएगा, अच्छा कितना, अच्छा ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी 8 है क्या, 4 में से 3 निकलेगा, 1 और 4 और 3 एक साथ, कहाँ 8 तो नहीं हो रही है, 4 में से 1 निकलेगा, ये 4 में से ये 3 निकलेगा तो ये हो जाएगा 1 और ये -4 -3 7 49 और एक 50 5√2 ठीक है, 5√2 का आधा 5/√2 सही है, 5/√2 और ये आपका एंगल है 5, तो ये वाला एंगल अगर हमें निकालना हुआ तो कितना कैसे निकाल लेंगे, या ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल अगर हमने अल्फा निकाला तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए क्या ले ले हम, ये आपका साइन थीटा ले ले, साइन थीटा साइन अल्फा ले लेते हैं, साइन अल्फा हो जाएगा आपका 5/√2/5 ये हो जाएगा, बोलो सही है ना, ये इससे कट गया सही है, तो क्या आया यहाँ पे 1/√2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आया 45, ये पूरा एंगल कितना हो गया 90, ये एंगल कितना हो गया 45, बोलो बात समझ में आया, तो ये आपका ये हो गया, अगला सवाल मैं लिखता हूँ फटाफट, फाइंड नंबर ऑफ सर्कल्स विच टचेज बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड लाइन 3x+2y इज इक्वल टू 6, इन दोनों को टच करने वाला और दोनों एक्सिस को टच करने वाला और इस लाइन को टच करने वाला सर्कल का इक्वेशन, कितने सर्कल होंगे इक्वेशन चाहिए अपने को, तो ये देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक कोई सा, पहले तो ये जो इक्वेशन लिखा है उसको अगर मैं किस वाले में डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट कर लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं x/2 + y/3 = 1, यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमको पता चल गया कि ये लाइन का इक्वेशन, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये कोई लाइन हो गई आपका जो कि x पे 2 कट कर रही है और y पे 3 कट कर रही है, 0.3 हो गया, अब इनसे इन तीनों को यानी x एक्सिस को, y एक्सिस को और इस लाइन को टच करने वाली एक सर्कल, तो टच करना सर्कल एक तो यही हो गया, दिख रहा है क्या, इस सर्कल की खास बात यह है कि अगर इसका सेंटर में इसका मैं सेंटर आर मानू तो अगर ये लंबाई आर है तो ये लंबाई भी आर है, तो आर का मार हो जाएगा सही है ना, और रेडियस भी आर है तो ये आर कम आर और ये रेडियस भी आर हो जाएगा, एक तो सर्कल यही हो गया। दूसरा सर्कल देखो, मैंने अभी बोला आप लोगों से कि एक सेंटर के बारे में सोचो, एक सेंटर क्या हुआ करता था, अच्छा ये बाहर से सर्कल, अरे तब भी तो बनेगा, तभी टच किया कि नहीं तीनों को, किया कि नहीं किया, अच्छा एडवांस में सवाल था वो ये तीसरा वाला, एक आर छोटी आई एक आर बड़ी आई, एक r इक्वल टू 2 आ गया तो अंदर वाला हो गया और एक r इक्वल टू मान लो 4 आ गया तो बड़ा वाला हो गया बाहर वाला, अरे बस समझ में, यहां से भी तो ये r और r अभी भी ये r और r सब कुछ वही रहेगा क्या,
सारी बातें वही रहेगी। तो अगर मैं आर और आर मान के चलूंगा, इक्वेशन निकालूंगा इसका, तो आर की दो वैल्यू आएगी, अगर एक छोटी वाली एक बड़ी वाली, ये आ गई। इसके अलावा भी देखो, ये भी लाइन है क्या, इसको भी एक सर्कल बन गया क्या? अरे क्यों नहीं, तीनों सर्कल, तीनों साइड को टच करने वाला सर्कल बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तीनों साइड को, बस इसको, इसको और इसको टच कर तो करवाना है अपने को। अच्छा यहाँ भी देखो, और भी बन रहा है क्या? तीनों साइड को ही तो बस टच करवाना है। आप लोग एक बात सही बोल रहे थे कि आपका इस वाले क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन इन तीनों क्वाड्रेंट में तो जाएगा, इसमें तो जाएगा, ये तो बन सकता है, बन सकता है, नहीं बन सकता? कितने सर्कल बनेंगे? बिल्कुल श्योर है, क्यों नहीं बनेगा? अगर तीन लाइन है तो तीन लाइन से टच करने वाला एक सर्कल पक्का बनेगा, क्यों? इसका प्रूफ कहां है? कहां प्रूफ है? कहीं आपने देखा इसका प्रूफ? एक सेंटर, एक सेंटर क्या था? ट्रायंगल के बाहर। ये एक सेंटर क्या था? एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये था। अगर ये और ये अगर था तो तीनों को टच करने वाला सर्कल बन रहा था कि नहीं बन रहा था? तो पक्का बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तो तीनों, ये एक सेंटर वाला है और ये इन सेंटर वाला है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? टोटल कितने नंबर ऑफ सर्कल बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4। बाकी जब सवाल एडवांस वाला मैं कराऊंगा कि कैसे उसके ऑप्शंस दो थे, उसका ऑप्शन कैसे एंजॉय करने थे ऑप्शन को। पक्का पक्का बनेगा, हाँ, चाहे वो साइड कैसे भी हो। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला सवाल है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल made by lines, lines दे रखा है x plus y is equal to 2, x minus 3 is equal to 0, y minus 4 is equal to 0. जरा बताओ, क्या ऐसे लेके क्या हम सर्कल बना सकते हैं, उसका सर्कम सेंटर इन सर्कम सर्कल बना सकते हैं क्या, तीनों साइड को मिला के? तीन साइड दे रखा है। अगर थोड़ा और कठिन करने का मेरा मन करेगा तो मैं बोल दूंगा कि ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये y जिसको कुछ भी लिख दिया मैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, कुछ भी मैंने लिख दिया, लंबा नहीं होगा, अभी भी जो मैंने सवाल लिखा है अभी भी ऐसे बचा लिया है कि सवाल लंबा अभी भी नहीं है। लंबा करना होगा तो मैं थोड़ा सा बदल दूंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी भी मैंने ऐसा बचा लिया है कि सवाल अभी भी ट्राइंगल सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल अंदर बनेगा, यानी तीनों वर्टिक्स से पास होने वाला सर्कल का इक्वेशन चाहिए अपने को। एक बात याद करो पहले यहां पे कि मैंने कहा था कि जब सर्कम सर्कल पूछेगा तो चेक कर लेना, क्या चेक? ट्राइंगल इज राइट एंगल आर नॉट, याद है? अगर राइट एंगल हो गया, राइट एंगल आर नॉट, अगर राइट एंगल हो गया तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा। तो देखो, पहले देखो ये लाइन के बारे में क्या ख्याल है, स्लोप बताओ इस लाइन का। अगर ये L1 लाइन है, ये लाइन अगर L2 है, ये लाइन अगर L3 है, तो स्लोप ऑफ L1 बताओ, -1। स्लोप ऑफ L2 बताओ, 1। दोनों का मल्टीप्लाई, अरे आया कि नहीं आया? तो कैसे ट्राइंगल हो गया? -1, यानी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और राइट एंगल होते ही काम तो आसान हो गया। उस केस में फटाफट एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया, इसका इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 होगा, और इसका इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4 होगा, तो इसका इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 होगा। इन दोनों को अगर मैंने किया, अगर इन दोनों को सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों कट जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, सही है? 3 आ जाएगा, सॉरी, सही है? इन दोनों को सॉल्व किया तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और यहाँ पे 3 डालेंगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को तो हम निकाल लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 4 अगर हमने यहां से घटा दिया तो ये कट गया, y इज इक्वल टू आ गया आपका
y इज इक्वल टू आ गया 2, तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 हो गया, तो x कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0। और ऐसे ही इसको निकालने के लिए इसमें 2x plus 3y equal to 6 और यहाँ पे 3x minus 3y is equal to 12 हो गया, यहाँ पे ये कट गया 3 और 2 5 x बराबर हो गया 12 और 6 18, x बराबर थोड़ा गंदा आ गया, इस बार 18 बटे में 5 आ गया, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 18 बटे में 5, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -2/5। देखो तो सही आ रहा है क्या मेरा, आ रहा है क्या आप लोगों का भी, देखो तो x की वैल्यू 18/5 आएगा तो ये उधर जाएगा, इधर आएगा ये 20, 18 माइनस 20 आपका -2/5 से सही है। तो सेंटर क्या होगा इसका, मिड पॉइंट सेंटर हो गया, यानी जो सर्कल होगा वो कुछ ऐसा सर्कल हो जाएगा, ऐसे होगा ना ये, तो जो सेंटर हो जाएगा वो सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, और ये यानी मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस 18 बटे में 5 प्लस 0 का आधा क्या 9/2 हो जाएगा क्या, और फिर -2/5 + 2 तो क्या ये 8/5 यानी कहाँ पे, हाँ 9/5, और ये जगह देखो ये -2/5 + 2 तो 10 - 2 8/5 8 का आधा 4/5 सही है, देख लो रेडियस क्या हो जाएगा, हाँ किसी भी एक पॉइंट से इसके लंबाई का आधा कर लो, या इसके यहां से आधा कर लो, या यहां से यह लंबाई निकाल लो, कोई भी निकाल लो, ये आपका रेडियस आ गया, इक्वेशन लिख देंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल मेड बाई लाइंस, लाइंस मैंने दे रखा है इस बार थोड़ा सा बदल के दे रखा है, एक्स वाई प्लस 2x + 2y + 4 = 0 एंड x + y + 2 = 0, ठीक है ना, आपको लाइन दिख रही है, दिख रही है क्या लाइन, कितनी लाइन है, 3 लाइन है कि नहीं, हाँ एक पेयर ऑफ लाइन है ये, तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा, यहां पे 2 लाइन है, ये पेयर ऑफ लाइन्स है, तो यहां पे अलग अलग करके 2 करना पड़ेगा, और यहां पे ये लाइन तीसरी है, तीनों का सर्कल का इक्वेशन जरा बनाओ तो फटाफट। तो पहले लाइंस हम यहां अलग अलग करते हैं, इनकी लाइंस अलग अलग करते हैं, यहां से मैंने अगर x कामन किया तो y प्लस 2 बच गया, और यहां से 2 कामन किया तो y प्लस 2। अच्छा राहुल तुमने शायद पेयर ऑफ लाइंस नहीं पढ़ा है ना, मुझे अभी याद आया, क्या कंपेयर करके भी कर सकते हैं, x प्लस 2 तो यहां से 2 लाइंस आ गई, y प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहां से y इक्वल टू क्या आ गया -2, यहां से x इक्वल टू -2, और एक लाइन ये दे रखा है, अब इस लाइन को बना के और देखो इस बार भी शायद राइट एंगल ट्राइंगल भी बनेगा, अच्छा सपोज कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा तो कैसे, अच्छा एक का स्लोप 0 है, अच्छा ठीक है, देखो एक ये है एक ये, एक x एक्सिस है ये y एक्सिस है, सही है, x एक्सिस का मतलब x बराबर -2 पे जाएगा, x बराबर -2 का ही ये लाइन हो जाएगी, y बराबर -2 का मतलब क्या राइट एंगल ट्राइंगल की पूरी पूरी अनुमति मिल गई क्या ये वाली पॉइंट पे, तीसरा x प्लस y इक्वल टू प्लस 2 है, ये कुछ एक्चुअल में जाएगा नीचे से, मैं लेकिन मैंने इस वाले पूरे पोर्शन को हटा दिया और मैंने ये कर दिया, बोलो सही है, अच्छा ये कर दिया, ये है x प्लस y इक्वल टू -2, यहां पे मैंने डाला y इक्वल टू -2 डाला तो कट गया, ये हो गया 0, -2 हो गया, अच्छा वैसे ही यहां पे डाला तो यहां पे भी कुछ कुछ निकल ही जाएगा, 0, -1 और यह भी शायद कुछ और ही आएगा, नहीं ये वाला पॉइंट क्या आएगा, मैंने यहाँ पे y इक्वल टू -2 डाला तो 0 हो गया, तो x बराबर 0 हो गया, y इक्वल टू -2, यहाँ पे x बराबर मैंने -2 डाला तो y इक्वल टू 0 हो गया, तो ये हो गया, ये उल्टा क्यों हो रहा है मेरे से, हाँ सही है आ तो सही रहा है, मतलब ये आ रहा है आपका 0 कमा, एक्चुअल में आ तो सही रहा है, आप देखो तो ये हो रहा है आपका -2, -0 आ तो सही रहा है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि y एक्सिस का पॉइंट ये लग रहा है कि x एक्सिस का पॉइंट है, जबकि सच्चाई ये है कि ट्राइंगल ऐसे बनेगा, ये आपका -2, -2 ये x बराबर -2 है और ये y बराबर ये y बराबर -2 है और ये x बराबर -2 है, सही है,
अब जरा देखो ये आपका यहां से अगर मैं वाई इक्वल टू मैंने माइनस टू पुट किया, वाई इक्वल टू माइनस टू पुट किया तो मैंने गलत लाइन ले रखा है क्या? मैंने लाइन ही गलत ले रखा है तो रही ना है। वाई इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, लाइन तो सही ले रखा है और ये वाला भी सही मैंने बना रखा है, तो फिर क्यों ऐसा कर रहा है ये? y बराबर माइनस टू रखा तो यहाँ पे माइनस टू आएगा, तो यहाँ पे ये वाली लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू माइनस टू, यही है ना, या x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। वाई इक्वल टू माइनस टू रखा तो x बराबर कितना आ गया, जीरो का माइनस टू, यही आ रहा है आखिर में, फाइनली आ तो वही रहा है, ये जीरो का माइनस टू और ये कितना पॉइंट हो रहा है आपका x इक्वल टू माइनस टू रखा तो माइनस टू का जीरो, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका मेन पॉइंट हो जाएगा, बाकी निकल जाएगा। अगर सपोज कि ट्रायंगल राइट एंगल नहीं होता, जैसे मान लो कि नहीं उससे नहीं करते, हाँ वैसे करते, जैसे मान लो कि तीनों ट्रायंगल का अगर इक्वेशन ऐसे दे रखा होता कि x प्लस वाई इक्वल टू टू, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, या एक्स प्लस वाई इक्वल टू, एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव, अगर ऐसा दे रखा होता तो ये तीन अपने पास इक्वेशन आ गई। मिड पॉइंट निकालना, नहीं मिड पॉइंट नहीं निकालना, अभी अभी भी नहीं, अब थोड़े से मेरी बात सुन लो। क्या करेंगे कि इस केस में ये तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना, निकाल लिया तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें सर्कल ये चाहिए, ये वाला सर्कल चाहिए, तो जनरल इक्वेशन आप सर्कल निकाल लेना, जनरल इक्वेशन आप सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू, कितने पॉइंट से पास हो रहा है सर्कल, ये तीनों पॉइंट रखेंगे तो जी एफ सी की तीन वेरिएबल आएगा, अब जी एफ सी की वैल्यू आ जाएगी, घटाते ही घटाते सी की वैल्यू कट के एफ और जी में इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, अगले दोनों घटाएंगे तो वो भी आपका सी से सी कट के आपका जी और एफ में मिल जाएगा, उन दोनों को यूज करके जी और एफ की वैल्यू मिल जाएगी, बात समझ में आ रहा है? तो जब भी सवाल ऐसे आएगा सर्कल के इक्वेशन जब हम जान गए हैं, नहीं जाने होते तो ये तीनों निकालने के बाद जो आप लोग जो तरीका बोल रहे हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखे, फिर इधर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इसका मिड पॉइंट लिखे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखे और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले और यहां से ये डिस्टेंस निकाल के रेडियस और ये सेंटर तब लिख पाते। लेकिन जब आपका आईआईटी में सवाल पूछेगा तो वो ये सवाल थोड़ी बोलेगा कि आपने सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, सर्कल नहीं पढ़ा है, वो तो ओवरऑल के लिए है, तो आप ये सर्कल यूज कर सकते हैं अब इसका, अरे बात समझ में, तो इससे हम इसको इस तरह से सर्कल के इक्वेशन को तब हम बनाएंगे। आते हैं अगले सवाल पे, ठीक है।